हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अस्तर का जो ब्लाउज है उसकी कटिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये 80 पॉइंट अस्तर लिया है और यहाँ पे हमने ये साड़ी में से निकला हुआ जो ब्लाउज है वो लिया है। अभी यहाँ पे हमने ये मेजरमेंट लेने के लिए ये ब्लाउज लिया है। ये हमारा साड़ी का ब्लाउज है और यहाँ पे हमारे ये अस्तर हैं। तो पहले हम मेजरमेंट लेंगे। पहले तो हमें इसकी लंबाई नापनी है। ये देखिए, इस तरह से शोल्डर को यहाँ से आपको पूरी लंबाई लेनी है। तेरह इंच इसकी लंबाई है। हमें इसकी लंबाई जो है वो बढ़ानी है। जैसे तेरह इंच है, ये तैयार ब्लाउज़ है हमारा, लेकिन इसकी लंबाई तेरह इंच है, हमें इसकी लंबाई ज़्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक इंच बढ़ा कर लेंगे, यानी कि चौदह इंच इसकी लंबाई लेते हैं, यानी कि पंद्रह इंच हमें एक्स्ट्रा, एक इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, यानी कि पंद्रह इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से, जैसे तेरह इंच हमारी लंबाई है तो ये बहुत ही कम है, इसलिए हमें एक इंच लंबाई में बढ़ाना है और यहाँ पर हमने पंद्रह इंच लेनी है। गला जो है ये पैच वाला गला है, इसीलिए आपको गला जो अपने हिसाब से बनाना है, जितना आपको चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे आपका ये गला 10.5 इंच आता है। यहाँ पे हमें चेस्ट का नाप निकालना है। ये देखिए, यहाँ पे अच्छे से इसको पकड़ना है और यहाँ पे हम चेस्ट का नाप निकालेंगे। बीस इंच निकलता है, चेस्ट का नाप है हमारा 20 इंच, यानी कि 40 चेस्ट का ये ब्लाउज है। यहाँ पे हमारा ये चेस्ट का 1/4 हमारा, ये देखिए, ब्लाउज को थोड़ा सा हल्का सा खींच के लेना है। 10 इंच हमारा चेस्ट का 1/4 आता है, 10 इंच हमारा चेस्ट का 1/4 आया है। यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ हमारी कटोरी जो जॉइंट हुई है यहाँ तक आपको नापना है। ये आते हमारा 4.25 इंच, 4 इंच और एक सूत आती है। शोल्डर नापना है, शोल्डर है हमारा 11 इंच, 11 इंच हमारा शोल्डर आता है। स्लीव्स की लंबाई लेनी है, स्लीव्स की लंबाई भी हमें थोड़ी सी बढ़ानी है। ये 4.5 इंच है, हमें 5 इंच लेनी है, तैयार हमें 5 इंच चाहिए। इसका बॉटम जो है, बॉटम लेंगे हम 6.5 इंच बॉटम आता है। अब देखिए, यहाँ पे हमने ये ब्लाउज की मेजरमेंट ली है। मेजरमेंट लेने के बाद हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। इतने नाप लोगे तो भी आप ब्लाउज की कटिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे पहले हमें अस्तर के ऊपर इसकी कटिंग करनी है। अब देखिए, यहाँ पे पहले हमें इसकी लंबाई नापनी है। 14 इंच हमें लंबाई तैयार चाहिए, यहाँ पे हमें 14 इंच तैयार चाहिए। तो यहाँ पे हम हल्की सी यह सीधा कर लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे आपका ये कपड़ा जो है नीचे के साइड में थोड़ा कम ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम सीधी एक लाइन लगाएंगे। 14 इंच लंबाई है तो हम 14.5 इंच लेंगे, क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज है, इसमें हम आधा इंच बढ़ाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने आधा इंच बढ़ाया है। 10 इंच हमारा चेस्ट का 1/4 है हमारा, 10 इंच, हम 10 इंच पे एक मार्किंग करेंगे
और इसके आगे हमें 1.5 इंच लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेना है और इस तरह से हम इसकी एक मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम 2.5 इंच पे गले का मार्किंग करेंगे। 11 इंच शोल्डर है हमारा, 5.5 इंच यानी कि शोल्डर का हाफ हम लेते हैं, 5.5 इंच हम गला लेंगे, सॉरी शोल्डर लेंगे। यहाँ पे हमें आर्मोल लेना है, 6 इंच पे हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमें ये सीधा लेना है, इस तरह से अब देखिए यहाँ पे हमें कमर नापना है। क्योंकि जो गोलाई हम देते हैं कमर के हिसाब से हम देते हैं, 16.5 इंच हमारा कमर आता है यानी कि 33 इंच हमारा कमर है। 33 इंच कमर है तो यहाँ पे हम बैक साइड की गोलाई देंगे 2 इंच पे, इस तरह से सीधा देते हैं। यहाँ पे हमारी ये गोलाई आती है, दस इंच हमारा यहाँ पे इस तरह से फिटिंग की सिलाई आएगी। अभी यहाँ हम बैक साइड का जो नेक है जितना हमें चाहिए जब हम कटिंग करेंगे तब हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इसे सीधा कट करना है, इस तरह से ये देखिए यहां पे हमारी ये बैक साइड है। अभी हमें फ्रंट साइड निकालनी है। अभी बैक साइड के ऊपर हम फ्रंट साइड रखेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हमें एक मार्किंग करनी है, यहाँ पे हम गले का मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें फिटिंग की सिलाई आएगी यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हमें 2.5 इंच लेना है, 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से हमें सीधी लाइन लगानी है। यहाँ हमारा ये 4.25 इंच एक सूत कम था, इसमें हमें 1.25 इंच मिलाना है। 5 इंच को एक सूत कम लेते हैं, 5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमारा ये सीधा आएगा। छह इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमारा ये आर्महोल है। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये आर्महोल है। बैक साइड की गोलाई हमने 2 इंच पे दी थी, फ्रंट साइड की गोलाई हम 1 इंच पे देंगे। इस तरह से गोलाई देते हैं। जैसे ऊपर के साइड में हमने 5.5 इंच शोल्डर लिया था उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे एक निशान लगाते हैं।
ये जो फ्रंट साइड की गोलाई है यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है। इस तरह से हमें इसको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हमने कटोरी के पास साइड का जो पार्ट है उसको निकाला है। पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमने ये कटोरी के साइड का जो पार्ट है उसे निकाला है। अभी हमें कटोरी का पार्ट भी निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हम कटोरी का पार्ट निकालेंगे। इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 1.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम सीधी लाइन लगाएंगे। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। ये देखिए, अब देखिए कटोरी के जो साइड का पार्ट है इसे हमने इस तरह से रखा है और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे एक। ये देखिए इस तरह से मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद यहां पे हम 2.5 इंच लेंगे और यहां पे हमें 1.5 इंच लेना है और इस तरह से हमें ये गले का राउंड शेप देना है। यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन लगानी है। ये दोनों के बीच में, जैसे ये दोनों, ये कितना आता है ये आपको पहले चेक करना है। ये 5.5 इंच हमारा मेजरमेंट आता है। तो यहाँ पे हमें 3.25 इंच पे एक मार्किंग करनी है। ये दोनों का हमें सेंटर निकालना है। सेंटर से हमने 1.5 इंच नीचे यहाँ पे लिया था और 1.5 इंच के लिए हमें यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं टक्स पॉइंट के लिए और इसके आगे हमें 3.25 इंच लेना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। इस साइड में हमारा 2 इंच आया है, तो इस साइड में भी हमें 2 इंच लेना है। यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे और इसे हमें ये ज्वाइंट करना है। यहाँ पर भी हमें इस तरह से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे भी इसे इस तरह से लेना है और इसे इस तरह से ज्वाइन करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो हुक और आई की पट्टी है, यहाँ पे जितनी हमारी पट्टी आती है वो पहले नापनी है। ये देखिए यहाँ पे ये 3.5 इंच आया है, लेकिन हमने 1 इंच प्लस किया था। जैसे लंबाई में हमारा 1 इंच ज़्यादा आया था, तो यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा इसे ज़्यादा लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 4.5 इंच लेना है और 4.5 इंच को लेके इस तरह से हमें इसमें ज्वाइन करना है। फिर बाहर के साइड से इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें इसको कट करना है।
ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये कटोरी का पार्ट निकाला है, इसे हल्की सी गोलाई देनी है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये कटोरी के साइड का जो पार्ट था, ये देखिए इसको हमें इस तरह से रखना है। अभी यहाँ पे हम जब टक्स पॉइंट लगाते हैं, डेढ़ डेढ़ इंच का जो टक्स होता है हमारा, इसको इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पे हम जब ज्वाइंट करेंगे तो ये हमारा कटोरी कटोरी का पार्ट जो है ये इस तरह से आएगा। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे हमारा ये कटोरी का पार्ट जो है इस तरह से ज्वाइन करने के बाद एकदम परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये कटोरी का कटिंग करके आपको दिखाया है, अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अभी इसे इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद डबल फोल्ड करेंगे। स्लीव्स हमने स्लीव्स की लंबाई ली थी 5 इंच, हमें 5.5 इंच लेना है। तैयार हमें 5 इंच है तो हमें 5.5 इंच लेना है। इस तरह से एक मार्किंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है। पहले हमें इसका क्रॉस नापना है। आरमोल जो है, आरमोल का हम पहले क्रॉस नापते हैं। ये आता है हमारा 9 इंच, 9 इंच इसका क्रॉस आया। तो यहाँ पे हमें 9.5 इंच लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी 1.5 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा आएगी, 1.5 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा आएगी, यानी कि 1.5 इंच का जो ज्वाइंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम 3 इंच पे एक मार्किंग करेंगे क्योंकि ये आगे के साइड में आएगा। 1 इंच हमें सीधा लेना है और इस तरह से इसे ज्वाइंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा पट्टी आएगी। ये देखिए अभी यहां पे हमें फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। यहां पे हमने ये फ्रंट साइड की गोलाई कट की है और आगे के साइड में हम 1.5 इंच की पट्टी ज्वाइंट करेंगे। अभी यहां पे क्रॉस पट्टी निकालनी है। यहाँ पे हमें 4 इंच लेना है, एक साइड से हमें 4 इंच लेना है। चेस्ट का 1/4, 10 इंच इसके आगे हमें 1.5 इंच लेना है। यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे। इस तरह से हमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम कट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी हमने स्लीव्स की कटिंग की है। ये पहले हमारी ये बैक साइड है। ये फ्रंट साइड इस तरह से आएगी। यहाँ पे हमारा ये कटोरी का पार्ट, यहाँ पे हमारी ये स्लीव्स आती हैं
और ये कट क्रॉस पट्टी। तो इस तरह से मैंने ये अस्तर के ब्लाउज की कटिंग आपको करके दिखाई है। अभी यहाँ पे हमें ये साड़ी का जो ब्लाउज है इसके ऊपर कटिंग कैसे करनी है ये मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये एकदम परफेक्ट कटिंग कैसे बनानी है ये मैंने आपको बताया है। तो इसका इसकी कटिंग जो है कैसे करनी है ये मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।